welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. अनु मलिक की बढ़ सकती है मुश्किल. क्या है फिल्म सत्ते पे सत्ता की अनाउंसमेंट में हो रही देरी की वजह? एक इंटरव्यू में नताशा दलाल ने खुलकर वरुण धवन और अपनी लव स्टोरी को लेकर की बात. सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक की बढ़ सकती है मुश्किल. उन्हें अपने रियलिटी शो को बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक अनु मलिक के शो को ऑन एयर करने वाले चैनल ने मन बना लिया है कि वो अनु मलिक को शो से जाने के लिए कह सकते हैं. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट ईयर भी मी टू मूवमेंट में नाम आने के बाद अनु मलिक ने इंडियन आइडल रियलिटी शो को बीच में छोड़ दिया था, लेकिन इस साल फिर से अनु मलिक को शो का हिस्सा बना लिया गया और हाल ही में सोना मोहपात्रा ने बैक टू बैक ट्वीट करके अनु मलिक को शो में शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठाया है. यही नहीं, अनु मलिक पर कुछ और फ्रेश एलिगेशन भी लगे हैं, जहां सर्वाइवर्स ने अनु मलिक को एक प्रेडेटर बताया है. हम आपको बता दें, अब तक अनु मलिक ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है और उनका कहना है कि सही वक्त आने पर वो डिटेल जवाब देंगे. वेल, अनु मलिक को जल्द से जल्द इस मामले में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि उन पर लग रहे आरोप काफी संगीन है. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. वरुण धवन और उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल की शादी और लव स्टोरी को लेकर अक्सर बॉलीवुड में बात होती है, लेकिन वरुण और नताशा अक्सर अपने रिलेशनशिप पर चुप ही रहते हैं. लेकिन अब अपने एक इंटरव्यू में नताशा ने खुलकर वरुण और अपनी लव स्टोरी को लेकर बात की है. नताशा ने कहा है, वरुण एंड आई वर इन स्कूल टुगेदर, वी स्टेड फ्रेंड्स अंटिल वी वर इन आवर मिड 20s. And then I remember we started dating just before I moved away. It was around then that I think we realized we were more than just good friends. और जब नताशा से उनकी शादी को लेकर सवाल किया गया, तो उनका कहना था, marriage is on the cards eventually, just not right now. वैसे वरुण धवन ने भी कुछ समय पहले नताशा दलाल को अपनी लाइफ की सबसे खास शख्स बताते हुए कहा था, she and I went to school together, so she knows my parents since ages. She's been attending functions with my parents before also, but it wasn't photographed then. She's my rock. She's my anchor. She's the stabilizing factor in my life. It's pretty much like family. वैसे वरुण धवन और नताशा दलाल के रिलेशनशिप को दोनों फैमिलीज का भी पूरा सपोर्ट है. डेविड धवन ने कुछ समय पहले वरुण नताशा के रिलेशनशिप को लेकर कहा था, His marriage will happen next year maybe. I am very happy with their relationship. What more does a father need? वरुण धवन ने करण जौहर के चैट शो पर भी नताशा दलाल को लेकर बात की थी और कहा था, I'm with her because she has her own individuality. She has her own voice which is super strong with things she wants to do and things she wants to achieve in life. And as her partner, that is something I want to support. And she has been so supportive where my career is concerned, always from day one. Well, बॉलीवुड में वरुण धवन और नताशा दलाल जैसी लव स्टोरी शायद ही किसी की है, और शायद इसीलिए इस लव स्टोरी को हर कोई इतने रिस्पेक्ट के साथ देखता है. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. अनन्या पांडे अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फिर से हुई ट्रोल. अनन्या को एक पिक्चर के लिए सोशल मीडिया पर जमकर बनाया गया निशाना, और इस बार ट्रोलिंग की वजह है ये पिक्चर, जिसमें वो अपने डैड चंकी पांडे और फराह खान के साथ नजर आ रही हैं। दरअसल अनन्या ने सोशल मीडिया पर इस इमेज को पोस्ट करते हुए लिखा, पोजिंग विद टोनी स्टार्क एंड द हार्डेस्ट प्रिंसिपल एवर. अनन्या पांडे ने इस पिक्चर में अपने डैड को टोनी स्टार्क, ऑल्सो नोन एज आयरन मैन, के साथ कर दिया कंपेयर. फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. हर कोई अनन्या के इस कंपैरिजन का मजाक बनाने लगा. एक यूजर ने लिखा, टोनी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, रेस्ट इन पीस टोनी स्टार्क. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, एंड इफ ही इज टोनी स्टार्क देन आई एम जूलिया रॉबर्ट्स. अनन्या को इस पिक्चर पर 500 से ज्यादा ट्रोलिंग के मैसेजेस आए हैं,
ज्यादातर मैसेजेस में चंकी पांडे को टोनी स्टार्क से कंपेयर करने के लिए अनन्या का मजाक बनाया गया है। वैसे अनन्या ट्रोल्स की फेवरेट है, उन्हें हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर ट्रोल किया जाता है। यही वजह है अपने कई इंटरव्यूज में अनन्या कह चुकी हैं कि ट्रोल होने पर उन्हें बुरा लगता है, लेकिन अब वो ट्रोल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिल्म सत्ते पे सत्ता के लिए ऋतिक रोशन और अनुष्का शर्मा का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन मेकर्स अभी भी कर रहे हैं इंतजार टू अनाउंस द फिल्म। क्या है फिल्म की अनाउंसमेंट में हो रही देरी की वजह? वेल, ई टाउन न्यूज को सोर्सेस से खबर मिली है कि ऋतिक रोशन स्टारर इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर अभी भी काम चल रहा है और इसकी वजह खुद ऋतिक रोशन है। दरअसल कहा जा रहा है कि ऋतिक ने जब से इस फिल्म के फाइनल ड्राफ्ट को पढ़ा है तो उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ कमियां नजर आईं और उन्होंने फिल्म के मेकर्स फराह खान और रोहित शेट्टी को स्क्रिप्ट में कुछ जरूरी बदलाव करने के लिए कहा है। कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट को ऋतिक रोशन के डैड राकेश रोशन ने भी पढ़ा है और उन्हें भी लगता है कि स्क्रिप्ट में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में फिल्म के लीड एक्टर ऋतिक ने अपने सजेशंस के साथ फराह और रोहित को फिल्म की स्क्रिप्ट लौटा दी है। ऐसे में जब तक ऋतिक रोशन कन्विंस नहीं हो जाते, इस फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऋतिक रोशन अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो इस फिल्म को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बारे में वो मेकर से बात कर रहे हैं। वेल, फराह खान के इस डायरेक्टोरियल कमबैक को लेकर पिछले साल से ही खबरें आ रही हैं, लेकिन एक के बाद एक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा ऋतिक रोशन की डिमांड को किस हद तक फराह खान और रोहित शेट्टी मानते हैं। संदेश आगते, जूम मुंबई। बॉलीवुड में जहां एक्टर्स को ज्यादातर तलाश होती है सोलो लीड फिल्म की, वहीं न्यू भी अनन्या पांडे का है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सोर्सेस की माने तो अनन्या पांडे मल्टी स्टारर फिल्म्स में काम करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं और उन्हें अब तलाश है कई और मल्टी स्टारर फिल्म्स की। अनन्या पांडे ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपनी करियर की शुरुआत की है, जो थी एक मल्टी स्टारर फिल्म। इसके बाद उन्होंने फिल्म पति पत्नी और वो साइन की, जो एक मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट है। वैसे अनन्या के इस प्लान में काफी सूझबूझ दिखाई देती है। दरअसल अनन्या ने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है और वो अभी इतनी पॉपुलर स्टार नहीं है कि खुद के दम पर फैंस को थिएटर में ला पाए। ऐसे में बड़े एक्टर्स के साथ मल्टी स्टारर फिल्म्स करने पर उन्हें हिट फिल्म्स भी मिल सकती हैं और उनके करियर को अच्छी शुरुआत भी। वेल, अनन्या ने काफी सोच समझ के ही डिसीजन लिया है एंड वी थिंक दिस आइडिया कैन पे हर ऑफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। Welcome to E-Town News. Today we have with us a very special guest. We have with us Anupam Kher, who is awaiting the release of his next film, Hotel Mumbai, which is coming out on 29 November. Welcome to Zoom, sir. Great to have you. Okay, firstly, we have seen the trailer of the film long back, you know. It's a very impressive trailer. Kaafi achhi story lag rahi hai, which we all are very close to because of the attacks which had happened in the country. The release got delayed, you know, because of various reasons. Was it difficult or was it taxing for you know, the entire cast? When the film is ready, the trailer is ready, but for some or the other reason, it released in phases. Yes. So it released in US first, a limited release, then a larger release, then it released in, before that it released in Australia, and then it released in other parts of the world, and last month it released in London. So I think they spaced it out, but I'm very happy that ultimately it's releasing in the country it needs to release in, and I'm very happy that the producers and the distributors over here are releasing it in 4 languages, because it's a film that needs to be seen, that needs to be revisited, the event needs to be revisited, because of 2 reasons. One is the terrorism part of it. Our neighbors sent 10 terrorists to create havoc, and they did manage to create. But the spirit of heroism among the common people is phenomenal. And that's what the film scores in, that we are not going to let go, we are not going to let these events demoralize us. We will rebuild our situations all over again. Ordinary people with extraordinary courage that they showed is the theme of the film also. The play, the person that I portray, Chef Obroy, how he
being, he was not a warrior or something like that. He was not in the army. He was just a chef. And how he, the kind of composure and calmness, and with the courage that he saved so many people from dying. 1500 people, even 30 deaths are quite a bit, but there could have been more casualties. So I think that is what is my takeaway from the film. Ye subject ko leke, terrorism ko leke, kaafi filmen bani hai Bollywood mein bhi pehle. In fact, on this subject also there was a film made. Ye film mein kitna difference hoga, and also what was that one thing about the film or the story that you know appealed to you as a as an audience? The director's compassion, the director's brilliance of energy, and the research that he had done, the makers, the people behind it. This whole thing about that ye film pehle bhi ban chuki hai, baad mein bhi ban chuki hai, I don't agree with that. First of all, because there is no harm in, if we can make remakes after every 7 years of all shittiest films also, and we can always make on a subject like this films. But this is certainly a film I'm very proud of to be associated with. As I said to you earlier, it's important to revisit something that is so catastrophic as this was. We all remember where we were when this happened, and we also are sort of getting a certain insensitive towards that people who are the casualties. We are thinking of them more as statistics rather than human beings. That, oh, 10 people died, or 13 people died, 18 people died, but they're not 18 numbers, they are people. They are somebody's relative, somebody's father, mother, brother, husband, wife. So I think you may not be able to bring them back, but at least it's important to show a certain kind of solidarity for these people. And from that point of view, this film is the most important film of the year. These days we see Bollywood and Mr. Modi, PM Modi, have jo relation hai wo kafi, like social media pe we see a lot of events which Modi ji conducts along with the film industry. How do you see him looking out so much for the industry, and like everyone's getting political these days in Bollywood, also posting selfies with the PM and all. Ye jo ek change aa raha hai, how do you I think Mr. Modi is a very inclusive person, not only about films, but I think he does that with sports persons also. But hamare ko हम सावन के अंधे हैं, हमको हरा ही हरा नज़र आता है, इसलिए हमको सिर्फ फिल्म वाले नज़र आते हैं. बट वो सबके साथ करते हैं, वो दिवाली फौजियों के साथ गुजारते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाते हैं. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, आई ऑल्सो फील दैट दिस होल नॉनसेंस अबाउट पॉलिटिकल थिंग इज एनीबडी हु वोट्स इज़ पॉलिटिकल. Anybody his votes, even though he is doing it behind the thing, he is giving vote to somebody or the other. So his clarity, he is clear about whom is he voting for. Some people, but it's important. I think it's a churning time. It's important to be political. It's important to be raise your voices. It's important to tell people that this is what my thinking is all about. I think it's fantastic. Like, it's been 10 years since 2611 happened. As a citizen, how do you think things have changed in the country or bettered in terms of security? Well, I think I hope that such incident never happens. And if it happens, that I hope that our security forces reach an event like this within 1 hour, if not less than that, because it was very sad that it took 3 days for the security forces to reach Mumbai and do the operation, the clearing up of the thing. But I think we are much more prepared. We are much more, we are aggressive. We are not laid back about this thing. But it takes a little time for people to understand. It takes a little time to settle down. It takes a little time to take decisions. I'm happy that the present government is a decision-making factors, whether it is the attack at Fulmama, that whole thing that we did, or any other issues. It's important. Right. I have to ask you, how do you see the situation in Kashmir today after Articles 370 was abolished as a Kashmiri, and also you know, yes, the Article 370, Section 370 is gone, but people are still, people still see the plight of Kashmiris who are there, living there. They are going through a lot. How do you see the situation? Well, I think first of all, Article 370 should have gone 70 years back, because it did not help the common people over there, whether they were Muslims or Kashmiris or anybody. It did not help. It was for some families, some political leaders. And I also feel, not only as a Kashmiri Pandit, but also as an Indian, I feel that the benefits that the rest of the country is getting
of development of infrastructure. I think the people in Kashmir also deserve that. And let's have the development there. Let's have the youth has jobs, etc., etc. It remover of abrogation of 370 is going to change the scenario over there. And kuch paane ke liye, kuch thodi deri ke liye pareshani ko bardasht kar leni chahiye. That's great. Thank you so much for talking to us on Anupam sir. Coming up on the show, TV serial Ye Rishta Kya Kehlata Hai mein aane wala hai is pure series ka sabse bada leak. और अब बात सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले लंबे लीप की, जिसके बाद शो से एंड हो सकते हैं कई बड़े किरदार। जी हाँ, सही सुना आपने। इस बात की जानकारी खुद शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। राजन शाही ने अपने सोशल हैंडल पर शो में अपकमिंग बिग लीप के बारे में हिंट देते हुए लिखा, बिगेस्ट लीप Feb 2020 ऑन बिगेस्ट शो इज इनएविटेबल #। Nobody is bigger than a show. #, be it anybody. Humility, respect toward a show. #, have with my DKP team in the past proved that. #, we love challenges. #, 2020 February. #, leap soon in and on biggest show I have produced till date and biggest leap. A bold but a collective call. Steps to start afresh with a selected cast Feb 2020. I will not repeat past mistakes. #, so best of luck to my behind-the-scenes strength of creatives, writers, directors and production. #, biggest show, biggest leap. #, nobody is above a show. A new generation of my most loved jodi. Well, Rajan Shahi ke is announcement ke baad, Kaira ke fans hain behad shock mein. And they have started commenting on Shahi's post. Pooja Banerjee, yani ki aapki apni Nivedita ho rahi hain dheere dheere theek. Aur isi beech hum mile unse unke ghar par, jahan humse yani Zoom se exclusively baat karte hue Pooja ne share ki show mein hui nayi entry aur exit ke baare mein. Yani new entry Aamna jo ki Kamolika ke roop mein aayi hain, और एग्जिट हुए शो से मिस्टर बजाज यानी करण सिंह ग्रोवर के बारे में कैसी थी और है उनके साथ पूजा की बॉन्डिंग? मैंने उनके साथ आफ्टर द एक्सीडेंट स्पेसिफिकली मैंने बहुत कम शूट किया है और वो कम शूट में भी मैंने उनके साथ बहुत कम शूट किया है. आई थिंक हार्डली 4 या 5 सीन्स विद हर. बट शी इज़ अडोरेबल, शी इज़ वेरी केयरिंग, मतलब उनके नेचर में दिख जाता है. एंड शी इज़ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. Or and I can see that she's really making good efforts for Kamolika to do great on screen. She's doing a good job. Mr. Vijay chale gaye to mujhe kafi bura laga tha, because when I got to know, in fact Sahil ne mujhe bataya ki you know aaj Karan ka last day hai. I was like, no, are you serious? And then I met him. I just wanted to say bye to him. I was like, I have nothing else to say, but I told him that we'll miss him. Boiler suits are usually a one-piece heavy protective garment often worn by industrial workers, but has now gotten a chic update. And we assure you, there is zero hard work necessary to make this outfit work. Boiler suits are ideal because they're comfortable, flattering, and a fabulous one-piece outfit. They can be dressed up with heels or dressed down with boots and sneakers. True to the garment's heritage, neutral, khaki, and blue are the season's go-to hues. Take your styling cue from our Bollywood celebrities on how to wear boiler suits. Deepika Padukone wore a grey boiler suit while flying from Mumbai airport. Her boiler suit was buttoned down, full sleeve with multiple pockets and a belt that accentuated her waistline. She accessorized her look with multi-layered gold chains, black combat boots and sunglasses. She tied a bun with a middle parting and carried minimal makeup and nude lips with the look. Alia Bhatt donned a navy boiler suit which had a cuffed sleeve, buttoned plackets and a plunging neckline. She styled the simple look with middle parted hair and nude lips.
Ananya Panday wore a light wash denim one piece from Topshop. Her boiler suit was a full sleeve with a zip in front to cinch the waist. She accessorized the look with red retro sunglasses and black Balenciaga slim bag. She completed her look with white sneakers. Kangna Ranaut wore a beige polka-dotted boiler suit by TB, which had a pussy bow neckline and full sleeves. Her makeup was basic with rosy pink cheeks and glossy pink lips and loads of mascara. Her hair was naturally dressed with volume and edginess. She completed her look with a Louis Vuitton high heel. Boiler suits, being a new trend for the winter season, can be paired with a top on the inside or an overcoat on the outside to layer. It's one of the most comfortable outfits, is not only easy to wear, but you can also create a whole different outfit by just layering.